यहाँ से हमारे उम्मीदवार अरविंद सहनी जी को बनाया गया। और अब ज्यादा पकाऊ और भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, सीधे मुद्दे की बात करें। सराय रंजन में क्या काम हुआ है आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार बिहार से दिल्ली, अभी भी देखिएगा बड़े तादाद में लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, उसलिए आप सब लोग से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार अरविंद साहनी जी है उनको एक एक वोट देकर आप लोग जिताने का काम किया। यहाँ कितनी संख्या नौजवानों की तरह बेरोजगारों का हाथ उठा लेने को नीतीश जी को मोदी जी को दर्शन दिया था। माता पिता बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पेट काट के पढ़ाते ताकि सहारा बन पाए, नौकरी लगेगा, डिग्री होगा, कितना खर्चा होता है। आज से डिग्री भी जिसके पास है उसको भी रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिलता, तो इसलिए तरफाना एक भी नहीं लग रहा। कितना यहाँ पेपर मिल, जूट मिल, सुगर मिल बिहार का बंद हो गया जो चालू नहीं करा पा। क्या काम हो, महंगाई कितना हो गया, प्याज का दाम कितना बढ़ गया, सेंचुरी मार दिया प्याज का दाम, हाँ सेंचुरी आलू का दाम। ये बीजेपी के लोग जब 60 रुपया 50 रुपया किलो जब प्याज का होता था तो ये लोग क्या कहता था, प्याज का माला पहन करके गोल गोल घूमता था। आज जब 100 रुपया प्याज का दाम हो गया पर किलो तो आज मुंह में दही का मल है नीतीश जी के बीजेपी के लोग क्या गाया जा रहा था, महंगाई का ही खाई गया था। सब लोग पकड़े हुए, आप लोगों को महंगाई का ही नजर नहीं आ रही, बहुत ही लग रही है। तो आप सब लोग शब्द कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बना रहे हैं, इसलिए चाहे स्वर्ण जाति के हमारे भाई हो, पिछड़ी जाति के हमारे भाई हो, अति पिछड़ी जाति के हमारे भाई हो, या दलित भाई हो, या महादलित भाई हो, या अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी सबका साथ लेकर के हाथ पकड़ के आगे चलेगा। समय नहीं है, समय से पहले आज के हम लोग चल रहे हैं, अभी उम्मीदवार हमारे पहुंचे भी नहीं है, तो हम चाहेंगे उम्मीदवार अपना काम करते रहे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, एक मौका दीजिएगा कि नहीं, जिस व्यक्ति को आपने 15 साल मौका दिया, ना कारखाना दिया, ना पलायन रोके, ना गरीबी मिटाए, ना भुखमरी रोके, ना महंगाई कम किया, शिक्षा को तो चौपट कर दिए, बताइए पढ़ाई तो दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, जब थाना और ब्लॉक जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम हो पाता है? ईमानदारी से बोलिए, घुसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बड़ी है। अस्पताल क्या बदहाल स्थिति में है किसी ने छुपा नहीं, इसलिए आप सब लोगों से हम एक मौका मांग रहे हैं, बताइए एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमने भी फैसला किया है कि पहला मुख्यमंत्री रहते हैं, अगर पहला मेरा कलम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, पहला कैबिनेट की बैठक में 1,70,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी, देश के इतिहास में कहीं 1,70,00,000 सरकारी नौकरी नहीं मिला, 4,50,00,000 नौकरियां खाली है, बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकती है, 5,50,000 सरकारी नौकरी राष्ट्र औसत के मुकाबले। अरे भाई स्कूल है, एक मास्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, खत्म हो गया। हर कक्षा में टीचर चाहिए, अलग अलग विषय के लिए टीचर चाहिए, है कि नहीं? ऐसा पद खाली है 4,50,000, 5,50,000 राष्ट्र औसत, मणिपुर में 1,00,000 आबादी पर 1,000 से ज्यादा पुलिस है, सिपाही है, अब बिहार में 1,00,000 आबादी पर केवल 77 है, तो भरेंगे नहीं?
भाई नौकरी देने की बात नहीं है, ये नौकरी देंगे तो अस्पताल अच्छा होगा, डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेगा, कंपाउंडर मिलेगा, स्कूल में टीचर मिलेगा, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्लर्क का भी निकलेगा, चपरासी का भी निकलेगा, सब खाली है। तो देखिए 60% जूनियर इंजीनियर का खाली है, तो हम तुमको तो भरना है। लोग बोलता है कि पैसा कहाँ से आएगा, 30,000 करोड़ का घोटाला नीतीश कुमार जी कर दिए, बोलते पैसा कहाँ से आएगा। तो भाई लोग दूर बजट बात कितना 2,13,000 करोड़, 40% बिहार सरकार 2,13,000 का खर्च नहीं करती है सालाना, यानी 40% खर्च नहीं कर पाती है 2,13,000 करोड़ का, 2,13,000 करोड़ का 40% होता है 80,000 करोड़। पैसा तो बढ़ने का नहीं, एक केंद्र से एक मिलता है लाइट फॉर एजुकेशन के लिए फंड मिलता है, वो अलग से 24,000 करोड़। अब बोलते हैं नीतीश जी की नौकरी कहाँ से देगा, अपने पाप के हाथ से लाएगा, मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, थक चुके हैं बिहार संभालने वाला। अरे एक मौका दीजिए बिहार को आगे लेके जाना है। और ऐसी भाषा नीतीश कुमार जी हमारे खिलाफ हमारे परिवार को पूछना, बोलते हैं कि जंगल राज जंगल राज, अरे 18 महीने हम लोग मुख्यमंत्री थे, कौन भय का वातावरण था, हमने तो काम किया, 5,000 करोड़ का बजट था पूरा खर्च किया, 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता 10 को 1,000 करोड़ बिहार को, 53 आयोग भी 2010 से लटका हुआ था उसको चालू कराए, गांधी से तो बंद रहा वो हम नहीं शुरू कराया, विज्ञान संस्था 35 साल से इंजीनियर का प्रमोशन नहीं मिला हमने दिया, और हमको कह रहे हैं बताइए बहुत 18 महीने थे कि नहीं, दिक्कत हुआ मेरे साथ। तो ऐसे ही बताइए जो कहो के वोट के लिए कितना भी हमको गलियारे होती थी, लेकिन हमारे तो बड़े हैं, उनका जो भी गाली भी हमको आशीर्वाद के बराबर, और हमने ठाना हमको काम करना है। बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया धर्म के नाम पे नफरत, अब हमारी सरकार बनेगी कमाई वाली सरकार होगी, दवाई वाली सरकार होगी, पढ़ाई वाली सरकार होगी, सिंचाई वाली सरकार होगी, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। दादा सभी ने यहाँ पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब लोगों का लोग का ध्यान रखा जाएगा, तो सरकार बना रहे कि नहीं बना रहे। लड़का बोल रहा है चुपचाप लौटे से, आप लोग ताकत दे रहे हैं, मैं भी हाथ बनाओगे बंधू। देखा कुछ लोग आई जात के नाम पे धर्म के नाम पर लड़वाई फसाई, सब छलिया लोग आई, लेकिन होशियारी से इस बार अगर बेरोजगारी का मुद्दा जो देश का बन रहा है, देखो बिहार में बेरोजगारी मुद्दा हो गया, जात पात नहीं हुआ, देश में क्या मुद्दा होता था, आज असल मुद्दा बिहार पकड़ लिया है, आज हम हारे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, फिर कोई चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। इसके भाई लोग तो आशीर्वाद रही ना, दोनों हाथ जा करके बताइए आशीर्वाद रही, सराय रंजन की जनता जनता बहुत हमारे भाईचारा जो
कोई दिक्कत। आप लोग सब लोग एक एक वोट देकर अरविंद सहनी जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। वो क्षेत्र भवन में है, उस बैनर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मेरे बड़े भाई ने दिया था, तेज प्रताप जी थे, पीसीएम हम थे, एक महुआ ने भी मसाले दिए थे। तो ये लोग तो सारा काम डबल इंजन का नहीं, महागठबंधन का था। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको सब लोग उसे कितना रोड हमने यहाँ के अध्यक्ष साहब है हमसे मांगे, हमने कई रोड लिखे दिया, तो हमने कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। इसलिए आप सब लोग से हम प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग मजबूत हम लोगों को करें, ताकि आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा, आपका ये भाई बिहार को सारा राज्य को आगे ले जाए।